Joining me is the captain of the Indian national team and ace defender Asha Lata Devi. मैंने एक पॉडकास्ट सुना था आपका जहां आपने मेंशन किया था कि बचपन में बॉयज़ आपको थोड़ा सीरियसली नहीं ले रहे थे और आपकी कम्युनिटी में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी लड़कियों को. अब आप कैप्टन हैं नेशनल टीम की. कितना बदलाव आया है और क्या अब एक कम्युनिटी में आप रोल मॉडल बन चुके हैं? हाँ, उस टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम था, पर अभी काफ़ी मेरे घर के आसपास में लोग थे और जो भी जो मेरा ताना मार रहे थे सब लोग, तो अभी काफ़ी सपोर्ट करते हैं. जब मैं घर जाती हूँ कोई टूर्नामेंट के बाद या कोई जब सीजन में, तो ये लोग मेरे को अच्छे से रिसेप्शन करते हैं और अच्छे से मेरे घर पे आके मेरे से बातें करते हैं. उनके बच्चों को मतलब कैसे फुटबॉल में डालना है और काफ़ी चीज़ें में ये लोग चेंजेस हुई है. सो मुझे लगता है कि इस मेरा इस इंडिया टीम का कैप्टन होने के नाते और एक नेशनल टीम में खेलने के नाते ये सारे चीज़ें चेंजेस हुई है और उनका सोच बहुत चेंजेस हो गई है. वेल, आप एक इंस्पिरेशन है. और क्या आपको लगता है फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया 2022 हम होस्ट कर रहे हैं, ये देख के क्या आपको लगता है कि माइंडसेट बदल जाएगा लोगों का? उनको लगेगा कि लड़कियों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, एक गर्ल चाइल्ड के लिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है? या ऑब्वियसली ये काफ़ी चीज़ें चेंजेस होने वाले हैं कि अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप की वजह से इंडिया में वुमेंस फुटबॉल का हॉटस्पॉट होने वाले हैं. क्योंकि इंडिया में काफ़ी जगह पे वुमेंस फुटबॉल के बारे में पता ही नहीं था, पर अभी टीवी में भी ब्रॉडकास्ट होने वाले हैं. सो उसकी वजह से काफ़ी कोने कोने में इंडिया की, तो उस जगह पे भी पता चलेगा, उनको भी देखने का मिलेगा, सारे पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि वुमेंस फुटबॉल कहाँ तक जा सकते हैं और किस लेवल में खेल रहे हैं. तो ये अंडर 17 वर्ल्ड कप हमारे वुमेंस फुटबॉल के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें हमें चेंजेस होने वाले हैं. अगर आप एक मैसेज देंगे सबको कि आओ स्टेडियम्स भर दो सारे, देखो हमारे पास क्या है, कितना टैलेंट है, क्या बताएंगे आप सबको? हाँ, मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहे हैं, उनको आप लोग के लिए, आप लोग की सपोर्ट की बहुत इम्पोर्टेंट है. उनको उन आप लोग की सपोर्ट की वजह से उनको और मोटिवेशन होगा. इसलिए मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहती हूँ कि जो वुमेंस फुटबॉल को सपोर्ट कीजिए, आप लोग की बच्चे को वुमेंस फुटबॉल में डाल दीजिए. उनको खेलने का मन है तो उनको आगे जाने में सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एज ए प्लेयर को पेरेंट्स की ब्लेसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. उसकी वजह से उनको और हिम्मत आते हैं. तो आप सभी आइए और वुमेंस फुटबॉल को सपोर्ट कीजिए और अंडर 17 वर्ल्ड कप देख लीजिए. और आप क्या बताएंगे, आप के लाइफ में सबसे बड़ा सपोर्ट आपके लिए कौन है? मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे मम्मी है और बाकी मेरे साथ जो भी मेरे टीम में खेलती है और मेरे साथ जो प्रैक्टिस में थे और सारे कोचेस, और उन सबको देना चाहती हूँ. Well, thank you for talking to us, and we hope to see you at the stadium. Thank you.